शाहरुख और बासु के बीच हुई डील, क्लैश से नहीं बच पाई डंकी, बासु भगनानी को संभालनी पड़ी बात। अक्षय कुमार अपकमिंग फिल्म में बड़े मियां छोटे मियां को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म अपने रिलीज की ओर बढ़ रही है। अब तक बड़े मियां छोटे मियां का टीजर और कुछ गाने रिलीज हो चुके हैं। इस बीच बड़े मियां छोटे मियां को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है। बड़े मियां छोटे मियां इस साल ईद के मौके पर थिएटर्स में दस्तक दे रही है। पहले अक्षय कुमार की ये फिल्म 2023 क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी। एक्टर ने काफी पहले ही क्रिसमस पर बड़े मियां छोटे मियां की रिलीज का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में शाहरुख अपनी फिल्म डंकी को लेकर आ गए। शाहरुख खान और अक्षय कुमार पर अपनी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि इस क्लैश में मेकर्स का नुकसान होना तय था। ऐसे में बड़े मियां छोटे मियां के प्रोड्यूसर बासु भगनानी को बीच बचाव करना पड़ा। ई टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस क्लैश को टालने के लिए शाहरुख को फोन लगाया और दोनों के बीच लंबी बात हुई। बासु भगनानी के साथ बड़े मियां छोटे मियां के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने भी शाहरुख खान से बात की। रिपोर्ट के अनुसार बासु भगनानी ने किंग खान से पूछा कि क्या उन्होंने तय कर लिया है कि वो क्रिसमस पर ही अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। अगर ऐसा है तो वो बड़े मियां छोटे मियां को ईद पर रिलीज करेंगे। शाहरुख खान ने बासु भगनानी को भरोसा दिलाया कि वो क्रिसमस पर ही डंकी रिलीज करेंगे। अगर किसी वजह से उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो पाती है तो बड़े मियां छोटे मियां के साथ क्लैश करने के लिए वो ईद पर इसे लेकर नहीं आएंगे। शाहरुख और बासु भगनानी की ये मीटिंग सफल हुई। वहीं बड़े मियां छोटे मियां अब 11 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। ऐसे ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।